नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमने निभाई विपक्ष भूमिका, उद्धव ठाकरे सरकार गिराने की नहीं की साजिश। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी धोखा नहीं दिया और न ही सरकार गिराने के लिए कोई षड्यंत्र रचा। उद्धव ने पार्टी के मुखपत्र में अपने साक्षात्कार के दूसरे नाम में आरे कॉलोनी में पेड़ों की काटे जाने के संबंध में अपनी पार्टी के विरोध पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे मेट्रो कार शेड के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस स्थान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, लोगों की परेशानियों की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए, जो बोएंगे वही काटेंगे, CBI के दुरुपयोग पर बोले ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने कई बार विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन वह सत्ता के दुरुपयोग और बदले की राजनीति के खिलाफ है। ED के दुरुपयोग के बारे में नहीं जानता, लेकिन CBI का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ED इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर ठाकरे ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कौन, क्या ये पाक साफ है। उन्होंने कहा, क्या आप इस बात से सहमत है कि ED के रडार पर जितने भी है वे दागी नहीं है। शिवसेना को खटक रहे भुजबल पिता पुत्र, 12 को उद्धव ठाकरे करेंगे प्रचार। नासिक जिले में 15 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से सबसे अधिक 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही शिवसेना ने इस क्षेत्रों में प्रचार का पूरा नियोजन कर लिया है। शिवसेना के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 12 अक्टूबर से डिंडोरी, नांदगांव और येवला विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों का प्रचार शुरू करेंगे। अपने प्रचार के पहले ही चरण में सेना प्रमुख ने येवला और नांदगांव में सभा लेने का निर्णय लिया है, अर्थात भुजबल पिता पुत्र को सेना ने अपना पहला निशाना बना लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।